जी न्यूज की खबर का असर हुआ है। धर्म परिवर्तन करने वाले राजेश जानी उर्फ महमूद रियाज के परिवार को वसई के मानिकपुर पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। तो परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें भी जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए लगातार फोन कॉल आ रहे हैं और साथ ही राजेश जानी जो महमूद रियाज बन चुके हैं उन्हें लालच देकर के धर्म परिवर्तन कराया गया। और जी न्यूज पर खबर चलाने के बाद यानी जी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, पुलिस एक्शन में आई। नहीं बोला कि ऐसे कुछ कनेक्शन है। ही हैज ग्रेट कंसर्न अबाउट हिज पापा इज मिसिंग, ही वांट्स हिज पापा बैक। और लेकिन जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है परिवार को भी इस्लाम में लाने की बात कही जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिली है और आप लोग उसको जो है जांच किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? पहले तो हम मिसिंग पे फोकस कर रहे हैं, एक बार वो मिसिंग क्लियर हो जाए सो दैट बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। मुमरा का जो कनेक्शन सामने आया, मैं मुमरा का जो शख्स है जो लगातार इस तरह से परिवार के लोगों को फ़ोन कर रहा है, उसकी डिटेल्स कुछ मिल पाई है आप लोग को? नहीं, अब तक कुछ मिली नहीं है। और शायद फ्रेंड भी रहेंगे एक दूसरे के, वो मार्केटिंग करते थे, उनके बहुत सारे फ्रेंड है और तो उसी एंगल पे हम कर रहे हैं। शहनवाज जो गाजियाबाद का मामला है, ऐसा कुछ भी एंगल राइट नाउ डिटेक्ट नहीं हुआ है, ओनली मिसिंग है, मिसिंग पे हम काम कर रहे हैं। परिवार के सारे लोग का स्टेटमेंट हो चुका है? वाइफ का हुआ है सिर्फ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये DCP हैं, परिवार के लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। देवांग वो शख्स हैं जो उस व्यक्ति से जिनकी फ़ोन पर बातचीत हुई थी, जिसने ये दावा किया था कि 400 लोगों को उसने कन्वर्ट करवाया हुआ है, हिंदू से मुसलमान बनाया हुआ है। देवांग, क्या कुछ उस व्यक्ति ने फ़ोन पर बातचीत की थी और पुलिस ने क्या कुछ डिटेल लिया है आज आपसे? पुलिस ने यही डिटेल्स लिया है कि मतलब क्या चैट्स आए थे पापा के और कैसे उन्होंने मतलब बात किया हमसे कॉल पर, और वही सब पूछा पुलिस ने, हमने जो भी था सच सच बताया पुलिस को। इस्लाम धर्म कबूल करने को लेकर क्या कुछ दबाव बना रहा था ये शख्स और आप लोगों से पुलिस ने क्या कुछ पूछताछ की? मतलब वो मेरे फ़ोन पे कॉल आता था उसका और बच्चे बात करते थे तो उनको वही बोलता था, बोले आपके पापा ने इस्लाम कबूल कर लिया है, अभी आपको भी इधर आ जाना चाहिए, इस्लाम बहुत अच्छा है, हिंदू धर्म में कुछ भी नहीं है और इधर आओगे तो आपको जन्नत मिलेगी, वैसे ही सब कॉल पे बोलता था वो। पुलिस ने कोई डिटेल सारी आपने बताई, क्या कुछ और पूछा है पुलिस ने? जी, हमने पुलिस को जो भी हमारे पास में डिटेल थी वो हमने दी है उनको और उन्होंने बोला है कि हमको 2 दिन का टाइम दीजिए आप लोग और 2 दिन में हम कुछ ना कुछ करते हैं। आपके पति जो है 8 दिन तक लगातार वहाँ रहे, फिर वापस आए और अभी फिर से गायब हो गए हैं, कुछ इसके बारे में जानकारी लगी है कि किसके पास होंगे, इस तरह की कुछ पता चल पाया है? नहीं, अभी हमको ऐसा कुछ पता नहीं है, सिर्फ वो आए थे 8 दिन के बाद में और वापस गए हैं, बोल रहे कि मैं काम से जा रहा हूँ और आऊँगा वापस करके, ऐसे ही बोल के गए। क्या कुछ उनके हाव भाव में बदलाव था देवांग, आप क्योंकि महसूस कर रहे होंगे पिताजी के हाव भाव 25 तारीख के पहले, 25 तारीख के बाद या उस दौरान जब वो कन्वर्जन की बातचीत चल रही थी? हाँ, 25 तारीख के पहले जैसे नॉर्मल इतने सालों से है वैसे ही रहते हैं, हमसे प्यार से बात करते थे, प्यार से रहते थे, कुछ भी हम पर कुछ मतलब कुछ गलत नहीं करते थे, हमको कुछ गलत नहीं लगा उनके हाव भाव में। उसके बाद में 25 तारीख के बाद में जब वो आए फिर से शुक्रवार को, तो उस टाइम पे भी वो मतलब नॉर्मली जैसे बात करते हैं वैसे ही बात करते थे, लेकिन हाँ वो जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, वो जाते थे और वही बस वही हाव भाव में हमको वही लगा। आज आप लोग लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे, जी न्यूज़ पर जब खबर चली तो फिर आप लोग को पूछताछ के लिए स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये सब हो रहा है तो बस इसका खुलासा हो और जो भी है सब ठीक हो, अगर ये कोई बड़ा गैंग है तो ये जल्द से जल्द अगर पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा, जो कि जानते उस इंसान ने बोला था कि 400 लोगों के साथ भी किया है, तो ये जल्द से जल्द बंद हो जाना चाहिए। Z News.